मैथड ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन द फिशन मैथड फर्स्ट आट्स डेफिनेशन ऑफ फिशन दैन टाइप्स ऑफ फिशन बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन ओके द फिशन वर्ड फिशन जो है लेटिन ओरिजिन के जो है वो फिशो लिया गया दैट इज मीन टू स्प्लिट, जो है वो टूट जाना डिवाइड हो जाना तो सिंपली फिशन एक ऐसा ए सै एक्चुअली का मैथ है जिसमें वन एनिमल डिवाइड इंटू टू आर मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स एक एनिमल जब वो डिवाइड होकर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है बना देता है दैट इज़ एक्चुअली द फिशन तो अब फिशन में जो है वो नॉर्मली जो प्रोसेस है ये इनवर्ड फ्रॉइंग होती है यानी कि एक एनिमल है जहाँ से एक जगह से वो पिंच करेगा वो पिंच ऑफ करेगा दरमियान से और उसके अल्टीमेटली ये रिंग जो है कंस्ट्रिक्शन होती होती इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है तो ये इसकी जो फिशन में ये खास प्रोमिनेंट फीचर है कि इसमें जो साइटोप्लाज्म है या जो सेल है जो ऑर्गेनिज्म जो, जो है वो एक खास जगह से क्या करता है ऐसे कंस्ट्रक्ट करता है और वहाँ से जो है वो स्प्लिट हो जाता है डिवाइड हो जाता है सो टाइप्स ऑफ फिशन ब्रॉड अगर हम बेसिकली देखें दे टू टाइप्स ऑफ फिशन दैट इज़ द बाइनरी फिशन एंड द मल्टीपल फिशन बाइनरी फिशन बाइनरी का मतलब दो अगर एक एनिमल डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उसको हम बाइनरी फिशन कहेंगे और अगर एक एनिमल डिवाइड होकर बहुत सारे एनिमल्स बना रहा है तो हम इसको मल्टीपल फिशन कहेंगे बाइनरी फिशन बाइनरी जैसे मैंने अभी बताया कि बाइनरी का मतलब क्या आता है टू सो व्हेन वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू ऑर्गेनिजम्स एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म बनाएगा दैट इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन अच्छा इंपॉर्टेंटली आपने थोड़ा सा जो ऑर्गेनिज्म जिसे डिवाइड होना है उसको हम पेरेंट कहते हैं और जो नए आगे बनते हैं उनको हम डॉक्टर्स कहते हैं तो इससे जब एक पेरेंट जो है वो डिवाइड करके दो डॉक्टर्स बना देता है ये दो डॉक्टर्स ऑर्गेनिज्म बना देगा दैट इज दफ्सिंग उसको कह सकते हैं बना देगा उसका हम फिशन कहते हैं बाइनरी फिशन में अगर हम देखें तो आमतौर पर जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे या डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेंगे दे आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ इक्वल साइज तो इसका मतलब बाइनरी फिशन आमतौर पर सेंटर से होती है दरमियान से होती है एक ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है अब बाइनरी फिशन के अगर हम देखें तो इसकी जो डिजन की जो लाइन है उसकी बेस के ऊपर हम इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें ए समेट्रिकल बाइंड्री फिशन देन ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन एंड द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन ए समेट्रिक का मतलब यह है कि ऐसे एनिमल जिसकी कोई खास शेप नहीं होती तो वो बाइनरी फिशन की जो लाइन है वो कहीं से भी एनिमल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है ये सिंपली जैसे अमीबा है अमीबा एक ए समेट्रिकल एक अच्छा सिमेट्री कहते हैं कि खास शेप का होना जैसे हमारी सीमेट्री हम क्या है? हम बाईस मेट्रिकल है एक अगर हमारे पास राउंड फॉर्म में चीज़ आती है हम कहते हैं ये रेडियल सिमिट्री है यानी राउंड में सिमेट्री है सिमिट्री का मतलब क्या होगा अरेंजमेंट उसकी जो है वो अलाइनमेंट जो है वो तो ए समेट्रिकल बाइनरीफिक्शन वो होगी जिसमें एक ए समेट्री आर्ग्रिजम को कहीं से भी दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए जैसे अमीबा के अंदर जब बाइनरीफिक्शन होती है ए सीट्रिकल होती है क्योंकि एक इमेजिनरी लाइन उसके एक जगह से कहीं से भी पिंच होकर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है अच्छा बाइनरी फिशन के जितने भी मेथड्स में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा हमेशा जब भी कोई एनिमल डिवाइड करेगा तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एक से दो सेल्स बनेंगे और उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन ट्रांसवर्स का मतलब है कि एक अगर लाइंग फॉर्म है तो उसको बिल्कुल नाइन्टी के एंगल पर जो था वो उसको डिवाइड हो जाना ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में एक हमारे जैसे बॉडी की हम बात करें तो अगर अपने बॉडी को हम देखें तो हमारे हेड से जो लेग्स की तरफ जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल है और ये जो हमारा अगर इस तरह से हम कहेंगे यानी कि हमारी जो एक आम से दूसरे आम की तरफ जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स तो जो ट्रांसवर्स फिशन है उसमें एक एनिमल जो है उसको जो है वो कह सकते हैं कि वर्टिकली दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड हो जाता है वो जैसे पैरामिशियम के एग्जाम्पल आपके सामने है कि पैरामिशियम में सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करा उसके बाद जो उसका साइटो है वो सेंटर से दो हिस्सों में पिंच ऑफ होकर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है जी इसी तरह से लॉन्गीट्यूडनल बाइनफिन लॉन्गिट्यूडनल फिशन जो है वो आप तो हमें जो ये आपके सामने जो प्लेनेरिया मौजूद है प्लेनेरियन जो है ये सेंटर से क्या कहता है कि हाइड साइड से जो डिवाइड करते हुए ऐसा ऐसा जाओ अगर ये प्लेनेरियन है तो इसको जूँ जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडली डिवाइड करेगा यानी टेल से हेड की तरफ से जो है वो डिवीजन स्टार्ट होती है तो इक्वली दो हाफ्स जो बन जाते हैं लॉन्गी डिवीजन में सेम इज़ अ केस यूगलीना के साथ आपके सामने है तो यूगलिना में भी लॉन्गिट्यूडन बाइंड्री फिशन होगी यानी कि animal, जो एनिमल है वो डिवाइड करेगा तो सिंपली अगर वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करे तो लॉन्गिट्यूडन बाइनरी फिशन है अगर वो ट्रांसवर्स डिवीजन है तो ट्रांसवर्स बाइंड्री फिशन कहेंगे उसको मल्टीपल फिशन फिशन का मतलब हो गया डिवाइड करना मल्टीपल का मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जब कोई एक एनिमल बहुत सारे एनिमल्स में डिवाइड कर जाए या एक ऑर्गेज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर जाए तो हम इसको क्या कहेंगे मल्टीपल फिशन है जैसे अगर हम टेप वर्म देखें टेप के वर्म को छोटे छोटे जो, जो क्या आते हैं प्रोगलॉट्स होते हैं अब वो जो अगर उसके जो है डिफरेंट जो है वो टेप वर्म के डिफरेंट अगर हम सेगमेंट्स से हैं हर सेगमेंट को हम एक प्रोगलॉटेड बोलते हैं तो जितने सेगमेंट्स हैं अगर वो सारे के सारे अलग हो जाते हैं उतने ही टेप वर्म बन जाएंगे तो इसका मतलब एक एनिमल बहुत सारे पीसेज में डिवाइड हुआ है उसमें और डिवाइड होने के बाद उसने क्या कर दिया कि उसने आगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिशन है जो टेप वर्म्स के अंदर है अमीबा के अंदर भी मल्टीपल फिशन होती है अमीबा मल्टीपल फिशन कैसे होगी सबसे पहले अमीबा अपने के अंदर एक सिस्ट बनाता है उसके बाद उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और न्यूक्लियस के डिवाइड करने के साथ साथ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता चला जाता है तो फिर रिजल्ट ये होता है कि हमारे पास एक अमीबा है उसके सिस्ट के अंदर सिस्ट कहते हैं रेस्टिंग स्टेज है उसकी सिस्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर हर न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म जमा हो जाएगा तो बहुत सारे अमीबी बन जाते हैं और फिर जब ये सिस्ट बर्स्ट करता है तो उसमें एक की बजाय बहुत सारे अमीबी जो है वो निकलेंगे एंड दिस इज द मल्टीपल फिशन